यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो भाई, मम्मी का भाई दुपट्टा फंस गया, मम्मी इधर खड़े, बच गए गिरने से मम्मी। मुझे लगता है ना मुझे मेरी बाइक सेल करनी पड़ेगी। तू ठोक दे। तो गाइस सबसे पहले ना मैं आपको बाइक की अपडेट दे देता हूँ कि बाइक की अपडेट क्या है। दो दिन पहले मैंने कॉल की थी, KTM शोरूम वालों ने बोला है कि बाइक ना वहां से चल चुकी है, तो एक वीक में बाइक पहुंच जाएगी यहाँ पे। पुणे से आती है बाइक, तो वहां से अब ट्रक में लोड होके ना चल चुकी है, तो आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सीन कुछ ऐसा, अभी मुझे एक पार्सल लेना है, मैंने दो तीन दिन पहले ना एक पार्सल ऑर्डर किया था, वो आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा भी उस पार्सल में क्या है। इस बार मैं ज्यादा शूट नहीं करूंगा, जाते हुए बिल्कुल भी शूट नहीं करूंगा। जब वापस आऊंगा ना, पार्सल ले लूंगा ना, फिर मैं वीडियो शूट करूंगा, ठीक है। तो निकलते हैं जल्दी से घर से। अभी मैं घर से थोड़ा सा ही नजदीक हूँ, ठीक है। तो इसमें पार्सल ले आया हूँ जो चाहिए था, दिखा नहीं सकता, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है मैंने। मैं थोड़ा सा आगे से लेकर आया, आगे से भाई लेकर आया था, और भाई को मैंने स्कूटी दे दी और मैं बाइक लेकर आ गया। चलो भाई सबसे पहले तो घर ही निकलते हैं, बहुत ज्यादा काम है भाई आज। चलो गाइस निकलते हैं। तो गाइस ये जो पार्सल है ना, ये मेरा भाई लेकर आया था, और उसने ना छू के मैं रख दिया था, और रख क्या दिया था वैसे, छू के हम दोनों मिल गए। मैंने उसको स्कूटी दे दी और मैंने बाइक ले आया वापस में, तो हो गया। और भाई बड़ी जल्दी आ गया मैं वैसे तो। चलो निकलते हैं जल्दी से घर। वाइजर बंद करने पे ना आवाज़ तो बहुत ज़्यादा सही आती है वैसे, पर वाइजर खोलने भी आवाज़ अच्छी आती है। गाइस यहाँ पे ना, यहाँ पे ये देखो भाई, मम्मी का भाई दुपट्टा फंस गया, बच गए गिरने से मम्मी। बच गए गाइस गिरने से। मैं बोला यार एकदम से बाइक को झटका लगा और बाइक रुक गई, और भाई बाइक चल ही नहीं रही है, पूरा दुपट्टा इधर फंस गया। इसलिए बोल रहा था कि दुपट्टा ना ठीक से रखा करो, बाइक पे दुपट्टा संभाल के रखना चाहिए। देखो गाइस अब पूरा अटक चुका भाई यहाँ पे दुपट्टा। निकल गए दुपट्टा, फटा नहीं है, फटा नहीं है, ये काला हो गया, पर ये काला हो गया। तो गाइस अभी ठीक से रखो। तो गाइस अभी निकलते हैं। मैं तो लेके आ रहा था, रास्ते में गया था, पार्सल लेके आया, और उसके बाद रास्ते में मम्मी लगे तो मैंने सोचा बैठा लेते, पर यहाँ पे बैठाए नीचे और यहाँ तक चला, तो भाई सीधा भाई दुपट्टा ही फंस गया। अच्छा हुआ अगर गिरे नहीं है। और बाइक ना गाइस, बाइक पता कैसे कैसी हुई, बाइक ऐसी ऐसी हुई आगे से। चलो ये सोचो अम्मी, अगर गले में लिपटा हुआ हो दुपट्टा, तो इसलिए बोलते हैं कि अगर बाइक बुइक पे बैठे हो तो गले में दुपट्टा नहीं पूरा ही करना चाहिए, ऐसे नॉर्मल कंधे पे रखो और ठीक से रखो, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए नीचे। बच गए गाइस, बच गए गाइस। ये आपके लिए भी एक वार्निंग थी समझो, आप भी अगर किसी को बैठा रही है ना, अपनी मम्मी मम्मी को किसको भी बैठा रही है ना, तो उनका दुपट्टा संभाल के रखना। अभी ना अभी घर पे आ चुके हैं, ठीक है। ये पार्सल लेके आ गया हूँ, जो टूल किट मंगवाई थी मैंने वो है, ठीक है। तो आपको ना मैं अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगा कि कैसी है। मैं आसानी से स्क्रू को अनस्क्रू कर सकता हूँ और बहुत काम में आने वाली है ये। आते आते ना भाई मम्मी का जो दुपट्टा था ना, वो टायर की चेन में भाई फंस गया था। बाइक ना एकदम से भाई ऐसी ऐसी हिली थी, मैंने सोचा भाई पता नहीं क्या हुआ। वो तो आपके साथ आपकी बहन है, मम्मी है, जो भी अगर बैठे हुए हैं तो उनको बोलो कि दुपट्टा संभाल के रखे, या तो कंधे पे ठीक से अच्छे से रख ले। अगर गले में ना, अगर गले में चारों तरफ ऐसे घुमा हुआ हो और टायर में फंसा है ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा ना हो तो ठीक है। अभी ना अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, ज्यादा मेरे से भी वेट नहीं हो रहा, आपको भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलो तो यह गाइस अभी ना, अभी ये लेकर आ गया हूँ मैं, ये मंगवाई है मैंने टूल किट, ठीक है। तो बाइक के लिए, बिकॉज बाइक में ना बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, मंगवा ली। 350 रुपए की मिली है मुझे। तो गाइस ओपन हो रही है, ये देखो गाइस, ये है, ये टूल किट मैंने ऑर्डर करवाई है, बाइक में ना बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। इधर उधर चले गए हैं भाई, ये हो गया, अब टूल किट होगी हमारे पास, अब टेंशन नहीं है, ठीक है। तो गाइस मुझे लगता है ना मुझे मेरी बाइक सेल करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी बाइक को सेल कर दो, सेल कर दो। भाई पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी बाइक को बिल्कुल भी सेल मत करना। मैंने बुकिंग की वीडियो डाली थी ना, तब से कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप अपनी बाइक को सेल कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, बताओ। कुछ लोगों ने तो भाई इंस्टाग्राम पे ना प्राइस भी बता दी कि भाई अगर आप सेल कर रहे हो तो मुझे दे दो, मैं अपनी बाइक जो पुरानी वाली है मैं बिल्कुल भी सेल नहीं करने वाली। इससे ज्यादा तो मैं आपको कुछ हिंट नहीं दे सकता, या इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। बिना अभी मैं मम्मी को ये वाली बाइक दिखाने वाला हूँ, मम्मी को मैं बोलने वाला हूँ कि मैंने ये वाली बाइक बुक करवाई है। तो गाइज ये है RC8, आप सबने तो देखी होगी है ना, ये वाली दिखाते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं, बिकॉज मम्मी को ना बड़ी ज़्यादा हाइट वाली बाइक की पसंद नहीं है। चलो मैं बुला के लाता हूँ, ठीक है। देखनी है वो जो मैंने बाइक बुक करवाई है, देखनी है, चलो देखा ये वाली है। इतनी बाइक कैसे बैठेंगे इसमें? तो मैं ले रहा हूँ ये बड़ी, हमें देखो लुक देखो ना कैसी, कितनी मस्त लग रही है लुक। ले ली, ले ली, ले ली।
इतनी मस्त, अब बुक हो गई है, अब आ जाएगी। नहीं नहीं ये नहीं लेनी, ये तो इसमें तो बैठ नहीं सकते। यही लेनी है ना, यही लेनी है, देख देना जब डिलीवरी आएगी तो यही आएगी। तो गाइस ये उस दिन सरप्राइज मिलेगा, ठीक है, जब डिलीवरी होगी ना उसी दिन सरप्राइज मिलेगा। तो गाइस अभी ना मुझे भाई की कॉल आई है और भाई बोल रहा है कि स्कूटी की एक्सीलेटर वाइट टूट गई है, तो भाई जाना पड़ेगा, पता नहीं भाई कैसे टूट गई। तो चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं भाई, सूट डाल लेते हैं सबसे पहले। और गाइस ये देखो, जिसके पास भी बाइक है ना, ऐसी चीज होने वाली आपके साथ, ये गियर से हुआ है। और गाइस अभी नए शूज थे ये, वो ये जो अंधेरे में चमकते थे भाई, खराब हो गए, नए लेने पड़ेंगे। चलो गाइस निकलते हैं जल्दी से। गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं भाई, बोल रहा है कि एक्सीलेटर वाइट टूट गई है तो धक्के से लानी पड़ेगी स्कूटी अब। चलो 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 चलो, देखो गाइस कैसे धक्का लगाना पड़ रहा है। तू ठोक दे, सो या गाइस अभी आपने देखा स्कूटी की ना वायर टूट गई थी, तो आपको ना मैं वायर भी दिखाता हूँ। तो ये है वो वायर, ये तो ये पूरी टूट गई थी, नई डाल दी है, देखो ये नई वायर लेके आए हैं, ये डाल दी है। तो जल्दी से टाइट करते हैं और आपको दिखाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और थोड़ी सी सेटिंग भी कर देंगे, ठीक है। तो जब स्कूटी ओपन की थी ना, जब इसमें मैंने बाइक डाल ली थी, तो सीन कुछ ऐसा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, रात हो गई थी, तो मैंने वीडियो शूट नहीं की। तो अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। ये लो गाइस, ये होगी स्टार्ट और वायर डाली है पूरी यहाँ से आपको दिख जाएगी। ये देखो ये नई वायर डाली है पूरी नीचे से यहाँ तक, अब सही है।